Hello students, welcome back. Welcome to Easy Biology Tutorials. So we are going to start with the next part of the transcription that we already had covered in the last class. Just wait a second, we are going to start. तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास के अंदर हमने दो रूल्स को पढ़ा था दैट बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज़ द कोड फॉर प्रोटीन्स इज डिफरेंट इन बोथ द स्ट्रैंड्स एंड दिस आल्सो कॉम्प्लिकेट्स द ट्रांसलेशन ठीक है बिकॉज इट कॉम्प्लिकेट्स द ट्रांसलेशन एज वेल हमें पता है कि हम डीएनए को आरएनए में क्यों कन्वर्ट करें बिकॉज वी हैव टू ट्रांसलेट और अगर हमारी ट्रांसलेट एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन ही डिफिकल्ट बन रही है तो कोई फायदा नहीं है उस चीज को करने का So only one strand is copied and that strand is known as the template strand and the next strand is known as the coding strand that is similar to the mRNA. ठीक है mRNA in students आप देख सकते हो coding strand और mRNA की जो है उनमें वो बिल्कुल similar है बस difference is कि mRNA के अंदर U है और coding strand के अंदर T present है Okay, now let us go to the next slide and read about what is written in the next slide. So, transcription unit. Now we need the transcription unit. It is the segment of DNA between the sites of initiation and termination of transcription. Students, transcription की site जहाँ पे transcription शुरू होती है उसको हम बोलते हैं promoter and जहाँ पे transcription end होती है उसको हम बोलते हैं terminator. ठीक है उसके बीच वाला जो पार्ट होता है दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बेसिकली प्रमोटर और टर्मिनेटर को भी इंक्लूड कर रहा है इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री रीजन एंड दीज थ्री रीजन आर एज फॉलोज अ प्रमोटर बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बंध जाता है आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन करता है फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन located towards the 5' end. 5' end को हम upstream बोलते हैं ठीक है यहां पे आता है हमारा आर एन ए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन इट इज द रीजन बिटवीन द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर And terminator is the site where the transcription stops. It is located towards the 3' end downstream. ठीक है? See, you can see that this is the promoter gene. Promoter gene is located towards the 5' end, and the terminator gene is located towards the 3' end on the coding strand. And हम बात भी किसकी कर रहे हैं जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी उसके बाद के mRNA के स्ट्रैंड के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रमोटर जीन इज लोकेटेड एट द 5' डायरेक्शन आज जो टर्मिनेटर जीन है वो 3' डायरेक्शन पे काम कर रहा है नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ये हमारा 5' के ऊपर प्रमोटर जीन है और सॉरी 3' के ऊपर And this is the terminator gene. Promoter के ऊपर क्या होता है Transcription हमारी start हो जाती है And terminator के ऊपर क्या होता है Transcription हमारी क्या हो जाती है End हो जाती है Stop हो जाती है This अब देखो Direction होती है जो promoter वाली side है Promoter से अगर हम more left side की बात करेंगे That is the upstream of the gene. And promoter से अगर left side की बात करेंगे Right side की बात करेंगे So that is the downstream of the gene. These are basically the gene directions of the gene that are located on the DNA. हाँ जी. Next is gene is the functional unit of inheritance. It is the DNA sequence coding for RNA. That is mRNA, rRNA or tRNA. Gene is a functional unit of inheritance. Gene जो है उसमें क्या होता है? आरएनए होते हैं सारे मैसेंजर आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए होता है एंड टीआरएनए होता है
Cistron is the segment of DNA coding for polypeptide during protein synthesis. जो डीएनए का सेगमेंट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड करेगा स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्ट्रॉन. सिस्ट्रॉन इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ अ जीन. डीएनए से क्या बनता है? डीएनए का एक पार्ट ले लो, दैट इज द जीन. जीन का एक पार्ट ले लो, दैट इज द सिस्ट्रॉन. सिस्ट्रॉन करता क्या है? सिस्ट्रॉन पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है. हाँ जी. नाउ अप टू द नेक्स्ट पार्ट. Structural gene in a transcription unit is of two types. The monocystronic gene, monocystronic structural gene ko hum split genes bhi bolte hain. It is seen in the eukaryotes. Here the coding sequences are interrupted by introns. मतलब कि जो कोडिंग कर रहे हैं ये हमारा क्या है, यूकेरियोट्स के अंदर ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं कि जो कोडिंग जीन है उसके अंदर नॉन कोडिंग जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड नॉन कोडिंग जीन्स को हम क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स. द कोडिंग जीन्स आर नोन एज एक्सॉन. एंड ट्रांसक्रिप्शन के टाइम स्टूडेंट्स क्या होता है, स्प्लाइसिंग इज इंपॉर्टेंट. एक्सॉन अपियर इन द प्रोसेस्ड एमआरएनए, इंट्रॉन्स डू नॉट अपियर इन द प्रोसेस्ड एमआरएनए. दिस इज द डीएनए स्टूडेंट्स. ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन हमारे पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन के अंदर कोई भी इंट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है. हां जी. नाउ इन बैक्टीरियास prokaryotics मतलब prokaryotics में synthesis of all type of RNA are catalyzed by single RNA polymerase. पहले हम transcription in prokaryotes पढ़ेंगे. transcription के basic three steps होते हैं. the first step constitutes of the initiation. initiation का मतलब है कोई भी चीज शुरू हो गई है. then is the elongation. elongation का मतलब वो आगे जाके फैल रही है. and then is the termination. हाँ जी. So, initiation में क्या होता है स्टूडेंट्स, 5' एंड पे आके हमारे आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन कर जाता है. एंड 5' टू 3' बेसिकली क्या होती है, हमारी आरएनए की फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो होती रहती है. फर्स्ट पार्ट इज इनिशिएशन. हियर RNA polymerase enzyme binds at the promoter side of the DNA. Promoter side पे आके जो है हमारा RNA polymerase bind कर जाएगा. bind करने के बाद वो क्या कर देगा, unwinding of the DNA helix करेगा ताकि वो अच्छे से fit हो सके. उसके बाद an initiation factor present in the RNA polymerase initiate the RNA synthesis. promoter side पे आके bind करेगा, उसके अंदर एक जो initiation factor है उसको हम sigma factor भी बोलते हैं. That initiates the RNA synthesis after unwinding of the DNA double helix. Now, RNA chain is synthesized in 5' to 3' direction. In this process, activated ribonucleoside triphosphates are added. नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, आरएनए चेन जो है वो 5' टू 3' डायरेक्शन बन रही है. यहाँ पे हमारी 5' है, यहाँ पे हमारी 3' है. 5' टू 3' जो है ट्रांसक्रिप्शन हो रही है. इलोंगेशन के स्टेप्स में क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट जो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है वो एड हो जाते हैं. दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेस सीक्वेंस इन द डीएनए टेम्पलेट. डीएनए टेम्पलेट से कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो हमारा एमआरएनए फॉर्मेशन होता है. सारा इलोंगेशन जो हो रही है हमारी 5' टू 3' डायरेक्शन. मतलब स्टूडेंट्स पहले क्या हुआ, इनिशिएशन वाले फेज में हमारी ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गई, इलोंगेशन वाले फेज में वो आगे आगे बढ़ती जा रही है. नेक्स्ट इज टर्मिनेशन फैक्टर. टर्मिनेशन फैक्टर इज अ रो फैक्टर. यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ व्हाट इज द initiation factor, that is the sigma factor, and termination factor is the rho factor. Rho factor binds to RNA polymerase and terminates the transcription. जहाँ पे rho factor आ गया students, वहाँ पे हमारी transcription क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. The first step is initiation, next step is elongation, and the third step is termination.
So in this way, these steps keep on going. This is the promoter and this is the terminator. This is the coding strand that is present between the promoter and the terminator. And this is the mRNA. जो हमारा टेम्पलेट डीएनए होता है बेसिकली उसमें क्या होते हैं इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन एमआरएनए के अंदर कोई भी टाइप के इंट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. सो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स इज कंप्लीटेड इन दिस वे. इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड बिकॉज ट्रांसलेशन बिगिंस बिफोर एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब्ड. क्यों? क्योंकि एमआरएनए रिक्वायर्स नो प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव. लेकिन यूकैरियोटिक्स के केस में क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है. पहले क्या हुआ, देखो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने वाली है तभी क्या होगी, ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी. ठीक है, सो इसको हम कपल कर सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के अंदर गैप तो होता ही नहीं है, ओवरलैपिंग हो जाती है थोड़े से टाइम की. ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड द न्यूक्लियस. बट यूकैरियोटिक सेल में कोई कपलिंग नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में कपलिंग होती है. कपलिंग इज अ ग्रेट फैक्टर दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. जो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स होती है दे आर इट इज कपल्ड विद द ट्रांसलेशन, बट इन यूकैरियोट्स द ट्रांसक्रिप्शन इज नॉट कपल्ड विद ट्रांसलेशन. हां जी, so let us start now the transcription in eukaryotes. Initiation, elongation, termination. होता तो यही है, eukaryotes के अंदर भी यही होता है, लेकिन दो जो additional extra काम हो जाते हैं eukaryotes के अंदर, that is that first of all there is three RNA polymerases. mRNA के लिए अलग, rRNA के लिए अलग और tRNA के लिए अलग. The primary transcripts contains exons and introns and are non-functional. अब ये जो transcription का unit है students, this consists of introns as well as exon, मतलब coding as well as the non-coding part. Non-coding part को remove करोगे तभी तो काम हो पाएगा. Suppose करो school में अगर ताला लगा हुआ है तो school में हम enter कैसे करेंगे? पहले सारे ताले खोलने पड़ेंगे मेन गेट के, क्लासेस के, लैब्स के, फिर ही हम एंटर कर पाएंगे. इन दिस वे यूकैरियोट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, वी हैव टू रिमूव द नॉन कोडिंग पार्ट दैट इज द इंट्रॉन पार्ट, सो दैट हम नॉन फंक्शनल जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको फंक्शनल बना सके. तो मैंने आपको बताया कि थ्री पॉलीमरेज़ेस होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर. व्हाट आर दीज थ्री पॉलीमरेज़ेस नेम्ड? द फर्स्ट वन इज द आरएनए पॉलीमरेज़ 1, सेकंड वन इज द आरएनए पॉलीमरेज़ 2, थर्ड वन इज द आरएनए पॉलीमरेज़ 3. फर्स्ट वाला जो फैक्टर है यू हैव टू रिमेंबर, फर्स्ट वाला किसको कोड कर रहा है, सेकेंड वाला किसको कोड कर रहा है, थर्ड वाला किसको कोड कर रहा है. फर्स्ट वाला कोड कर रहा है आरआरएनए को, 28S, 18S एंड 5.8S वाले राइबोसोमल्स आरएनएस को कोड कर रहा है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरआरएनए? द फुल फॉर्म ऑफ आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए. और कौन कौन से राइबोसोम स्टूडेंट्स? 28S, 18S एंड 5.8S. आरएनए पॉलीमरेज 2 transcribes the heterogeneous nuclear RNA. It is the precursor of mRNA. जो RNA polymerase 2 है वो heterogeneous nuclear RNA को process कर रहा है and ये mRNA का ही precursor होता है, the short form of the mRNA. RNA polymerase 3, it transcribes the tRNA, 5S rRNA and a small nuclear RNAs. तो ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नीट क्रैक करना है तो ये फैक्टर्स आपके स्टार मार्क होने चाहिए इन योर एनसीईआरटी.
एनसीईआरटी के चैप्टर में इसको 4 मार्क कर दो। आरएनए जीन किसको कोड कर रहा है? आरएनए को, प्रोटीन वाला जीन एमआरएनए को, ट्रांसफर आरएनए वाला जीन है वो ट्रांसफर आरएनए को कोड कर रहा है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट। हां जी, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स एचएनआरएनए कैसे बनता है? देखो, पहले तो हमारे पास प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के अंदर क्या है, नॉन कोडिंग एज वेल एज द कोडिंग पार्ट प्रेजेंट है। तो इसको हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें इंट्रॉन्स, मतलब ये जो नॉन कोडिंग पार्ट्स हैं इंट्रॉन्स, इनको निकालना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, इनको अगर निकाल देंगे तो ये जो एग्जॉन है ना वो जुड़ नहीं पाएंगे, ठीक है? तो इसकी हमें कैपिंग करनी पड़ेगी। 5 प्राइम एंड पे हमें कैपिंग करनी पड़ेगी, 3 प्राइम एंड पे हमें पॉली एडेनाइलेट टेल को लगाना पड़ेगा, ठीक है? इसको पॉली ए टेल भी बोला जाता है। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग कैसे होती है, प्रोसेसिंग के अंदर ही हमारे 3 पार्ट्स आ जाते हैं। बेसिकली यूकेरियोट्स के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को एक्टिवेट करना, वो इनएक्टिव पड़ा है तो इसको एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेशन में सबसे पहले तो स्प्लाइसिंग होती है, मतलब इंट्रॉन्स निकाले जाते हैं। नेक्स्ट में कैपिंग होती है, 5 प्राइम एंड पे होती है। यू हैव टू रिमेम्बर, कैप करते हैं हम 5 प्राइम एंड को किससे कैप करते हैं, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये केमिकल है, ये स्ट्रक्चर है जिससे हम कैपिंग करते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वी आर एडिंग अ पॉली ए टेल। ये अब हमारा जो है एमआरएनए वो फुली प्रोसेस हो गया है ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए, ठीक है? एमआरएनए इज फुली प्रोसेस्ड, फुली प्रिपेयर्ड टू परफॉर्म द ट्रांसक्रिप्शन। अब हमारी ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, दैट इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। दैट इज सेम इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हमें सिर्फ प्रोसेसिंग है वो अलग करनी होगी, बस आपको यूकैरियोट्स में ये पॉइंट ऐड करना होगा, बाद में इनिशिएशन, टर्मिनेशन एंड इलोंगेशन बिल्कुल सेम तरीके से होती रहेगी। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द जेनेटिक कोड। व्हाट इज जेनेटिक कोड, लेट अस कम टू नो अबाउट दिस। It is a sequence of nucleotides in the mRNA that contains, हमने क्या किया, हमने ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन mRNA के अंदर कोड्स होते हैं, ठीक है? ये देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AUG, UAC, GUA, CUG, CGU, ACG, UAC, GUA, CGU, UAA, ठीक है? तो ये क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली दीज आर कोडॉन्स, ठीक है? कोडॉन्स आर द ट्रिपलेट्स। AUG इज अ ट्रिपलेट, UAC is a triplet, GUA is a triplet, CGU is a triplet. तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोडॉन। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे पास जेनेटिक कोड होना चाहिए। एंड द सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस डिटर्मिनिंग अ सिंगल अमीनो एसिड इज कॉल्ड अ कोडॉन। अब ये एक, this is the first codon, that is AUG, this is the second codon UAC, third codon GUA, fourth codon CGU. तो एक codon किसी एक amino acid के लिए code कर रहा है, ठीक है students? चलो अब आगे चलते हैं एंड देखते हैं जेनेटिक कोड में क्या लिखा हुआ है। जॉर्ज सजेस्टेड दैट coding 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides, thus there are 64 codons, ठीक है? हमारे पास 64 codons है, क्योंकि हर codon 3 nucleotides का बना है। You have to remember the number, बहुत important है, किसने बोला था, क्या बोला था, क्यों बोला था। हरगोबिंद खुराना developed the chemical method in synthesizing RNA molecules with a defined combination of bases, homopolymers and copolymers.
इन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने का एक आर्टिफिशियल तरीका ढूंढ लिया था। मार्शल नेरेनबर्ग डेवलप्ड सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नेरेनबर्ग ने क्या किया था, सेल फ्री सिस्टम बिना विदाउट द सेल उसने प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म कर दी थी। एंड सेवरो ओको एंजाइम is used to polymerize RNA with defined sequence in a template-independent manner. Template के बिना भी हम polymerization of RNA कर सकते हैं with the help of this polynucleotide phosphorylase. So these are the points that should be remembered. NEET के exam में आपको question भी पूछा जा सकता है, आपको photograph भी दिखाई जा सकती है, किस scientist का क्या contribution था, इसका table भी आ सकता है। So if you want to crack NEET, इसको अपने दिमाग में बिठा लो, फोटोग्राफ खींच लो। देखो स्टूडेंट्स, कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस तो आने नहीं वाला है, कभी भी नहीं आने वाला है, ठीक है? आपको करना क्या है, आपको डिटेल स्टडी ऑफ द सिलेबस करनी है, सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग एनीथिंग। तो हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। फिर भी हम एक बार रिवीजन ले लेते हैं 20 अमाइनो एसिड्स की, दैट इज एलेनिन, आर्जिनिन, एस्परजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, प्यूरीन, सेरीन, प्रोलीन, फिनाइल एलेनिन, मिथियोनिन, लाइसिन एंड ल्यूसिन, ठीक है? ये आपको याद रखने हैं, नहीं याद होते, किसी को भी नहीं याद होते, एक टेबल बना के रख लो, याद करना ही पड़ेगा, कोई और मेथड नहीं है स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज 20 अमाइनो एसिड्स। तो अब हम कोडॉन देखते हैं, कौन सा कोडॉन किस अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, ये देखते हैं। द जेनेटिक कोड डिक्शनरी, UUU इज कोडिंग फॉर फिनाइल एलेनिन, UUC इज ऑल्सो कोडिंग फॉर फिनाइल एलेनिन, UUA इज कोडिंग फॉर ल्यूसिन, UUG again coding for leucine, then AAU isoleucine, then GGU valine, then serine, then proline, then threonine, then alanine, then tyrosine, histine. UAA and UGG are known as stop codons. UGA jahan pe aa gaya, UAA jahan pe aa gaya aur UAG jahan pe aa gaya, you have to stop. Stop the transcription, stop the translation. So these are very, very important for you students to remember that. हमारे पास four हैं, RNA के अंदर हमारे पास four nitrogenous bases हैं, DNA के अंदर भी four हैं, but हमारा जो codon है वो RNA से बन रहा है, तो 4 × 4, इसका table बना के देखते हैं, तो हमारे पास 64 total codons हैं। हर एक कोडॉन किसी एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, एंड इन दिस वे हमारी ग्रोथ, हमारी ट्रांसलेशन हो रही है बॉडी के अंदर। आई होप दिस टॉपिक ऑफ जेनेटिक कोडॉन इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कोडॉन ट्रिपलेट, कोडॉन इज अ ट्रिपलेट एंड इट इज हैविंग अ 3-letter कोड। 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड्स। Three codons are known as stop codons because they terminate the process that is going on, thus known as a nonsense codon. अब आ गया बहुत ही ज़्यादा important question, what is known as, which codon is the nonsense codon? UAA, UAG, UGA. AUG के दो functions होते हैं students, एक तो ये methionine के लिए कोड कर रहा है एंड एक ये इनिशिएट कर रहा है। मिथियोनिन इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड फॉर्म्स फॉर्माइल मिथियोनिन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है? तो व्हाट इज द, यू हैव टू रिमेंबर द क्वेश्चंस, व्हाट इज द इनिशिएटर कोडॉन, what is methionine, what are nonsense codons, ठीक है? तो students ये चीजें आपको clear होनी चाहिए। degenerate codon क्या होते हैं?
amino acid is coded by many codons except AUG for methionine and UGG for tryptophan. ठीक है, such codons are known as degenerate codon. एक amino acid है students, वो हमने देखा ही है. Let us come go back to the codon page. जैसे UUU, UUC, UUA, these are coding. Leucine के लिए कितने सारे चार codons हैं. वैसे ही these are known as degenerate codons. एक ही codon जो अलग अलग codon है एक ही amino acid के लिए code कर रहे हैं. क्यों students ऐसा ही होगा? देखो हमारे पास codon तो है 64 एंड हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं ओनली 20. तो रिपीटेशन तो होगी ही होगी, है ना स्टूडेंट्स? सो दिस इज द थिंग, दिस इज द इनिशिएटर कोडॉन. आपके लिए स्टूडेंट्स देखो 64 कोडॉन्स ना ही कोई याद रख सकता है. हाँ अमाइनो एसिड जरूर आपको याद करने पड़ेंगे, एक दिन में नहीं होने वाले, एक महीने में जरूर हो जाएंगे. एक महीना उसको रोज पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे. ठीक है, 2 का टेबल भी तो याद किया था ना बचपन में हमने, वैसे ही याद करना है ये वाला टेबल भी. इनिशिएटर एंड स्टॉप कोडॉन्स आपको याद रखने हैं, बाकी चीजों को करने की जरूरत नहीं है. नाउ नो पंक्चुएशन बिटवीन एडजेसेंट कोडॉन्स, द कोडॉन इज रेड इन mRNA इन कॉन्टिन्यूअस फैशन. ठीक है, कोडॉन के अंदर कोई भी हम पंक्चुएशन नहीं करते हैं. जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, ऐसा कुछ नहीं होगा कि AUG है वो स्टार्ट कोडॉन है इंडिया में और अमेरिका में कोई और है. देखो ह्यूमन बींग्स है पूरी अर्थ पे, वैसे ही सेम ह्यूमन बींग्स है, सब में फिजियोलॉजी सेम है, सब में सब कुछ सेम है. तो दीज आर जेनेटिक. फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन UUU कोड्स फॉर फिनाइलएलानिन, सम एक्सेप्शंस आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स एंड सम इन प्रोटोजोन्स. जेनेटिक कोडॉन आर नॉन ओवरलैपिंग, ऐसा नहीं है कि किसी में UUU है फिनाइलएलानिन के लिए, किसी में ल्यूसिन के लिए, किसी में टायरोसिन के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. जेनेटिक कोडॉन इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, दैट इज वन कोडॉन स्पेसिफाइज ओनली वन अमाइनो एसिड. सो स्टूडेंट्स ये जो पिंक में लिखा हुआ है ना, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड. ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है ना नीट में, बहुत ही बार आया हुआ है. सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट, यू हैव टू रिमेम्बर एवरी सिंगल क्वेश्चन. हाँ जी स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज. Deletions and rearrangements in DNA may cause a loss or gain of gene, and thus जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा codon ही खराब हो जाएगा. जैसे students यहाँ पे मैं लिख रही हूँ राम, यहाँ पे suppose कर लो gap आ गया तो क्या बन जाएगा. यहाँ पे ये बन रहा था राम राम राम, नेक्स्ट पे बनने लग गया मरा मरा मरा. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. ऐसे हमारे जो म्यूटेशंस होते हैं वो जेनेटिक कोड्स को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारा कुछ, सारा सिस्टम जो है वो हिल जाता है. दिस काइंड ऑफ म्यूटेशंस आर नोन एज फ्रेम शिफ्ट इंसर्जन और डिलीशन म्यूटेशंस. जैसे UUU है, UUU की जगह UUA आ गया, तो फिर क्या हो गया, प्रोटीन का कोडॉन अलग हो गया, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ जाएगी. इंसर्जन डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसेस इंसर्ट और डिलीट वन और मल्टीपल कोडॉन, थस सारा जो सिस्टम है वही खराब हो जाएगा. इन दो पॉइंट्स का यही मतलब है. नाउ एमआरएनए प्रोवाइड्स अ टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन, आरआरएनए स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, tRNA brings amino acid for protein synthesis and reads the genetic code. This is the function of the mRNA, tRNA and rRNA. Francis Crick, जिसने DNA को सर्च किया था, postulated presence of adapter molecule that can read the, this is the structure of tRNA. आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा important है students. tRNA के पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं. दीज आर द एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन. अमाइनो एसिड एक्सेप्टर,
जिससे अमाइनो एसिड बांधता है, राइबोसोम बाइंडिंग से राइबोसोम बांधा जाता है, एंजाइम बाइंडिंग से एंजाइम जो है वो बांधा जाता है। सो इन दिस वे जो हमारे टीआरएनए के डिफरेंट डिफरेंट रीजन है इनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। नेक्स्ट इज फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर टीआरएनए कॉल्ड इनिशिएटेड टीआरएनए। देयर आर नो टीआरएनएस फॉर स्टॉप कोडॉन बट देयर इज अ टीआरएनए फॉर इनिशिएटेड कोडॉन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए लुक्स लाइक अ क्लोवर लीव एंड 3डी स्ट्रक्चर लुक्स लाइक एल। ठीक है, इनवर्टेड एल मतलब जैसा आप टेट्रिस में बनाते होते हो ब्लॉक वैसा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू गॉट इट। आपको सारी वीडियो समझ आई, सारा टॉपिक जो है वो समझ आया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द ट्रांसलेशन। इसमें आपको आज के पार्ट में आपको टाइप्स ऑफ आरएनए, कोडॉन्स एंड ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया गया। टाइप्स ऑफ आरएनए का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।